हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम बेकरी के जैसा बेहद सुंदर मॉइस्ट और खाने में एकदम मजेदार चॉकलेट केक, और ये एकदम मार्केट के जैसा चॉकलेट केक आज हम बनाने वाले हैं बिना एग्स या ओवन के डायरेक्टली कुकर में। और इसकी डेकोरेशन भी हम आज करेंगे मार्केट की नोजल के बिना, और इतना सुंदर और टेस्टी केक बनेगा कि कोई नहीं मानेगा कि इसे आपने घर के कुछ ही सामान से बनाया है। तो शुरू करने से बनाना। नाउ, केक बनाने के लिए एक बोल में मैं ले रही हूँ 3/4 कप दूध। ये दूध ना ही ज्यादा ठंडा है ना ही ज्यादा गर्म। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच विनेगर। आप चाहें तो इसके बजाय नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। इन दोनों चीजों को हमने कर दिया है मिक्स, और अब दूध को हम इसी तरह से रखा छोड़ देंगे करीब 7 से 10 मिनट तक। तो केक बनाने के लिए अब मैंने ले लिया है एक कुकर, और इसको हम एकदम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे हर तरफ से, यानी कि बेस में और इसके साइड्स पे भी। अब मैंने कुकर के बेस के साइज का बटर पेपर ले लिया है और इसे हम कुकर के बेस पे डाल देंगे। इसको भी हम ऑयल से एकदम अच्छे से ग्रीस कर देंगे। इन केस आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपली मैदे से डस्ट कर सकते हैं इस कुकर को। तो ये तैयार हो गया हमारा कुकर, और इस कुकर को अभी के लिए हम रख देंगे साइड में। तो केक को बेक करने के लिए हम इस तरह का एक तवा या पैन रख लेंगे फ्लेम पे, और एकदम धीमी कर दी हमने गैस, और 5 मिनट के लिए इसी तरह से इसको हमें प्रीहीट होने देना है। 10 मिनट के बाद ये देखिए, ये दूध कर्डल्ड अप हो गया है, यानी कि बटर मिल्क जैसा बन के तैयार हो गया है। तो इसमें अब हम डालेंगे ये 3/4 कप पिसी हुई शक्कर, 1/4 कप अनफ्लेवर्ड ऑयल, यानी कि ऐसा ऑयल जिसमें शार्प स्मेल या टेस्ट नहीं होना चाहिए, और साथ ही कुछ एक बूंदे वनीला एसेंस की। वैसे आप चाहें तो ये एसेंस स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अनडाउटेडली इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चॉकलेट केक का। और अब इन सारी इंग्रेडिएंट्स को हम एकदम अच्छे से साथ में मिक्स कर लेंगे जब तक ये एकदम स्मूथ नहीं हो जाती एक साथ मिलके। करीब 5 मिनट तक मिक्सिंग के बाद ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो इस बोल पे अब मैं रख रही हूँ एक छन्नी। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप यानी कि 120 ग्राम मैदा। आप चाहें तो इसकी बजाय आटा भी यूज कर सकते हैं। 2 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच से 2-3 चुटकी ज्यादा बेकिंग सोडा, और 2-3 चुटकी नमक। सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम बोल में छान लेंगे, और अब सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को हम एक साथ में मिक्स कर लेंगे, और इनका एकदम स्मूथ बैटर अब हमें तैयार कर लेना है, एकदम लंप फ्री बैटर। और ये देखिए, एक स्मूथ बैटर सा बन चुका है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा थिक लग रहा है, इसलिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़ा चम्मच दूध, और ये दूध भी हम बैटर में मिक्स कर देंगे। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा एकदम स्मूथ बैटर। तो अब मैंने ले लिया है ये कुकर, और केक बैटर को हम कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे। कुकर को टैप करेंगे जिससे कि बैटर एकदम लेवल अप हो जाए, और अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। लेकिन इसकी विसल हमें निकाल लेनी है, यानी कि विसल नहीं लगानी हमें बेकिंग के दौरान। और अभी तक हमारा पैन भी प्री हीट हो चुका है, तो अब हम कुकर को लेके पैन के ऊपर प्लेस कर लेंगे, और अब लो आंच पे हमें अपने केक को कुकर में बेक होने देना है करीब 35 से 40 मिनट तक। और कन्वेक्शन या ओवन में केक को बेक करने के लिए 180 डिग्री पे ओवन को प्री हीट करके 35 टू 40 मिनट्स के लिए केक को बेक कर लें। करीब 35 से 40 मिनट हो चुके हैं, और अब हम अपना केक चेक करेंगे। एंड लुक एट दिस, कितना अच्छा फूला केक लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक टूथपिक, और इसे हम केक के सेंटर में इंसर्ट करके केक चेक करेंगे कि देखिए एकदम क्लीन बाहर आई हमारी टूथपिक, मतलब हमारा केक एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है। तो अभी हम गैस ऑफ कर देंगे और केक को एकदम अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। तो अब केक की फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने ले ली है 1 कप एकदम ठंडी एकदम चिल्ड व्हिपिंग क्रीम। नाउ यहाँ पे मैं जो बोल यूज कर रही हूँ क्रीम को व्हिप करने के लिए, उसे मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख के ठंडा कर लिया था। और इस व्हिपिंग क्रीम को हम तब तक व्हिप कर लेंगे जब तक इसमें एकदम स्टिफ पीक्स बनने नहीं स्टार्ट हो जाते। इनकेस आप व्हिपिंग क्रीम नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसकी बजाय किसी भी तरह की फ्रॉस्टिंग का यूज कर सकते हैं। मैंने आपसे ऑलरेडी बहुत तरह की फ्रॉस्टिंग रेसिपी शेयर की है, जैसे कि बटर फ्रॉस्टिंग, घी से बनी हुई फ्रॉस्टिंग, दूध से बनी हुई फ्रॉस्टिंग, और इन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, सो प्लीज उन्हें जरूर चेक करें। और इसी के साथ, समर सीजन में कभी कभी क्रीम को व्हिप करना मुश्किल हो जाता है, तो इन दैट केस आपकी क्रीम एकदम ठंडी बनी रहे इसके लिए आप क्रीम के बोल के नीचे इस तरह से आइस क्यूब्स लगा के भी व्हिप कर सकते हैं क्रीम को, सो दैट आराम से और आसानी से व्हिप हो जाए आपकी क्रीम। और इस क्रीम में ऑलरेडी शुगर है इसलिए मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं की है। इन केस आपके व्हिपिंग क्रीम में शुगर नहीं है तो आप उसमें 1/4 कप पिसी हुई शक्कर ऐड कर दें। और ये देखिए, क्रीम के एकदम स्टिफ पीक्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि हमारी व्हिपिंग क्रीम एकदम अच्छे से व्हिप हो चुकी है। तो अभी के लिए इस व्हिप्ड क्रीम को हम फ्रिज में रख देंगे।
नाउ एक बोल में अब मैं ले रही हूँ आधा कप चॉप करी हुई डार्क चॉकलेट कंपाउंड, और साथ ही मैंने एक बोल में ले लिया है एकदम उबलता हुआ गर्म पानी। उबलते हुए गर्म पानी के बोल के ऊपर मैंने प्लेस कर लिया है चॉकलेट के बोल को, और अब हम इसकी चॉकलेट मेल्ट करेंगे। और ये देखिए चॉकलेट एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम चॉकलेट को रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, और अब ये मेल्टेड चॉकलेट भी रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। तो ले ली हमने अपनी ये व्हिप्ड क्रीम, और ये सारी की सारी चॉकलेट हम अपनी व्हिप्ड क्रीम में ऐड कर देंगे। और मेल्टेड चॉकलेट को ये व्हिप्ड क्रीम में मिक्स करते हुए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे ही आप ये मेल्टेड चॉकलेट डालेंगे व्हिप्ड क्रीम में, इमीडिएटली आपको इसे मिक्स कर देना है व्हिप्ड क्रीम के साथ। अदरवाइज ये मेल्टेड चॉकलेट जैसे ही ठंडी व्हिपिंग क्रीम में थोड़ी सी भी ज्यादा देर के लिए पड़ी रहेगी तो ये तुरंत स्टिफ होना शुरू हो जाएगी, अपना शेप लेना शुरू कर देगी। तो जल्दी से इसे मिक्स करें। तो ये हमारी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनके तैयार हो चुकी है। तो अभी मैंने ले ली है अपनी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, और इसे हम एक कोन में ट्रांसफर कर लेंगे और आगे से इसमें एक कट लगा देंगे। आप चाहें तो ये फ्रॉस्टिंग डायरेक्टली भी केक पे लगा सकते हैं, बस मैं कोन से आपको इसलिए लगाना बता रही हूँ क्योंकि इसे फ्रॉस्टिंग करने में केक में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए हमारा केक अभी तक ठंडा हो चुका है। तो अभी हमने ले ली है एक प्लेट, और केक को इस प्लेट पे हम निकाल लेंगे। एंड लुक एट दिस, इसका बटर पेपर हम अलग कर लेंगे, और ये देखिए एकदम परफेक्टली बेक्ड केक बना है हमारा, और साथ ही कितना स्पॉन्जी आप देख सकते हैं। तो अब फ्रॉस्टिंग के लिए केक को टॉप से कट करके बराबर कर लेंगे, और अभी हम केक को सेंटर से भी इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे लाइक दिस। तो अब मैंने ले लिया है एक केक बोर्ड, इस पे हम बेस पे थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग लगा देंगे। इस पे हम प्लेस कर लेंगे केक की पहली लेयर, और अब मैंने ले लिया है ये शुगर सिरप। यहाँ पे मैंने सिंपली दो बड़े चम्मच शक्कर को एक चौथाई कप पानी में घोल लिया था, और ये शुगर सिरप बनके तैयार हो गया। तो ये शुगर सिरप को हम केक लेयर पे अच्छे से फैला लेंगे, और अब हम ले लेंगे अपनी फ्रॉस्टिंग वाली कोन, और इससे हम अपने केक के इस वाले पार्ट पे सारी फ्रॉस्टिंग फैला लेंगे। एक स्पैटुला की हेल्प से हम क्रीम को हल्का सा लेवल अप कर देंगे। और अब मैं ले रही हूँ केक की दूसरी लेयर, और इसको हम पहली वाली लेयर के ऊपर प्लेस कर देंगे। इस पे भी हम फैला लेंगे शुगर सिरप, और अब केक के टॉप पे भी हम क्रीम फैला लेंगे। स्पैटुला की हेल्प से हम इसको भी बराबर कर लेंगे, और ये देखिए टॉप पे तो फ्रॉस्टिंग हो चुकी है। तो केक की साइड की फ्रॉस्टिंग के लिए हम इस तरह से इसमें क्रीम लगा लेंगे, और इसे भी अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। केक के साइड्स एंड टॉप को नीटली एक बार और अच्छे से स्मूथ कर लेंगे ताकि इसमें एक अच्छी फिनिशिंग सी आ जाए। केक बोर्ड को अब हम क्लीन कर लेंगे। नाउ हमारे केक की फ्रॉस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी मैंने ले लिया है इस तरह का एक केक कोम, और इसकी हेल्प से हम केक के साइड पे एक zigzag पैटर्न जैसा क्रिएट कर लेंगे वीडियो में दिखाए गए तरीके से। और ये देखिए साइड्स में डिजाइन भी बन गई है। तो केक को हम 5 मिनट के लिए रखेंगे साइड में। तो एक बोल में अब मैं ले रही हूँ 1/4 कप चॉप की हुई डार्क चॉकलेट, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़ा चम्मच एकदम गर्म दूध, मतलब ऑलमोस्ट बॉइलिंग हॉट मिल्क, और मिल्क और चॉकलेट को हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, और हमारा गनाश जैसा बनके रेडी हो गया है। और अब इस मेल्टेड चॉकलेट को हम एक कोन में ट्रांसफर कर लेंगे। इसकी टिप को हम हल्का सा काट देंगे, और अब हम इससे केक के साइड्स पे चॉकलेट ड्रिप्स बना लेंगे। ये देखिए हमारे चॉकलेट ड्रिप्स बन चुके हैं, और अब हम बनाने जा रहे हैं होममेड नोजल। और इसके लिए मैंने ले लिए हैं ये डिस्पोजेबल ग्लासेस, और ये डिस्पोजेबल ग्लासेस तो आराम से अवेलेबल होती है हर जगह पे। तो अब सबसे पहले हम इन डिस्पोजेबल ग्लासेस को बीच से काट लेंगे, और इन्हें कम्प्लीटली ओपन कर लेंगे, इनका बेस निकाल लेंगे, और एक ग्लास के दोनों साइड से जो ट्विस्ट हो रखा है उसे काट देंगे। नाउ अब हमें ये स्मूथ पेपर मिल गया है, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और अब इसके एक पोर्शन से हम कोन के जैसा शेप क्रिएट कर लेंगे। ये देखिए लाइक दिस। नाउ अब हमें इसे एकदम अच्छे से सिक्योर कर लेना है सेलो टेप से, सो दैट ये बिल्कुल भी नहीं खुले। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हो चुका है ये। और अब एक सीजर की हेल्प से हम कोन के सेंटर पॉइंट पे जिगजैग वाले कट्स बना लेंगे, और यहाँ पे मैं नोजल के टिप पे 5 कट्स बना रही हूँ, सो दैट ये स्टार नोजल बनके रेडी हो जाए। इससे बहुत अच्छे केक रोजेस और स्वर्ल्स बनते हैं लाइक दिस। और अगर आप चाहें तो इसी तरह से और भी नोजल्स बना सकते हैं, और केक के डेकोरेशन के लिए हम इसे यूज करेंगे। ये देखिए स्टार शेप नोजल बनके तैयार हो चुकी है, और अब हम इन्हें डाल लेंगे पाइपिंग बैग में। तो अभी मैंने ले ली है अपनी ये सेम होममेड कोन, और इसमें हम अपनी बची हुई केक क्रीम ट्रांसफर कर लेंगे। अब सेम कोन से हम केक टॉप के किनारों पे फ्लावर्स बनाते जाएंगे, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लोरल बॉर्डर बन जाएगा हमारे केक पे।
और ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स बन रहे हैं हमारी घर पे बनाई हुई पेपर की नोजल से। और अब हमने फिर से गनाश ले लिया है और जो केक के सेंटर पे स्पेस बचा हुआ है उसे हम गनाश से फिल कर देंगे। ये फिल हो गया हमारा केक गनाश से और बस सेंटर में थोड़े से गोल्डन बीट्स भी मैं डाल दे रही हूँ डेकोरेशन के लिए। और ये देखिए बनके बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज्यादा स्पेशल चॉकलेट केक। बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है ये केक और खाने में तो कहीं ज्यादा मजेदार है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।